In this lesson, primary school students gain hands-on experience by exploring seeds that they and the teacher have brought in from their local environment. अगर जैसे गेहूं का पौधा सभी ने देखा होगा, ठीक है? ढेर सारे उसमें बाली में गेहूं लगते हैं. The teacher asks her students why some seeds germinate and produce a plant, while other seeds don't. तो उसका कारण क्या है? कोई बताएगा? क्यों सब बीज से पौधा नहीं निकलता है? The teacher listens to her students explore their answers, but does not tell them a right answer. क्या हो जाता है? खराब हो क्या खराब हो जाते हैं? बीज खराब हो जाते हैं. तो जो खराब In the next activity, the teacher asks her students in pairs to observe and offer explanations for a familiar activity, sorting seeds with water. ये बाउल में हो गया सीड सबको मिल गया. बस बैठो. हम क्या करना है बेटा? अपनी सबके पास ग्लासेस है, पानी है, आधी आधी ग्लास पानी बॉटल से डालना है. उसके बाद जो हमने बीज दिए हैं इसमें बीज डाल देने हैं ग्लास में. क्या करना है? और ग्लास को ऐसे रख कर उसको देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है. The teacher asks her students how they are able to tell which seeds are good and which are bad. बेटा क्या हुआ? आपने जो काम किया इसमें क्या निकल कर आया? क्या आपको समझ में आया? Gradually, the teacher and her students develop an explanation for what they observe. The bad seeds have been eaten by insects and become hollow, which is why they float in water. कीड़ा कहाँ इसमें आ गया? तो हमने तो दाल दी थी. दाल में था तो दाल ने कीड़े ने क्या किया? और इसीलिए वो बीज कैसे हो गए? फिर घुल गए. ठीक है, चलो बेटा. The teacher then points out specific features of the seeds, but they're very small, so she gives the students an opportunity to investigate for themselves. हाथ से थोड़ा सा मसल दिया, भीगा हुआ बीज है, तो ये क्या निकला? छिलका. क्या है ये? छिलका हट गया, सीड कोट उसका हट गया, उसके कपड़े हटा दिए हमने. इसको हम धीरे से पूरा खींचेंगे नहीं तो टूट जाएगा, धीरे से हम अलग करेंगे. The teacher asks her students to name the different parts of the seeds that she has just shown them. जो दो ये भाग दिख रहे हैं, ये है इसको क्या बोलते हैं? बीज पत्र. क्या बोलते हैं? बीज पत्र. और जिससे ये जुड़ा हुआ है छोटा सा व्हाइट सफेद भाग, देखो ये है इसका भ्रूण. क्या है? भ्रूण. Through working in pairs, the students can support each other's learning. खुशबू, अपने अपने साथी के साथ ही फिक्स कर लो तुम लोग कि कौन उसको बीज को, तो दोनों लोगों को खोलना है, देखना है उसका पिक्चर कौन बनाएगा. एक पिक्चर बनाएगा तो दूसरा बच्चा उसको लेबल करेगा. हमको मजा आया जब चना छील के मैम पहनते कि उसको पूरे पत्र में अलग करो. और मैम हमारे जो मटर बनाए थे उसके अंदर जानने में कि बीज के अंदर वो बीज पत्र होता है और रूड एम्ब्रियो होता है, उसी में हमें ज़्यादा मजा आया. मैम मुझे भी मैम पहले मैम कराती थी पर मैम बहुत ज़्यादा नहीं आता था, मैम अब पर बहुत आने लगा. In the next lesson, the class will look at how seeds grow into plants. How could you use local resources in your lessons to enhance your students' engagement and learning?